और भाई प्रवीण मिश्रा बुलबुल आज शुरू करता नहीं भोजपुरी भाषा में अपना भाषा में उस चैनल भोजपुरी बात कही। आज एगो बड़ा मामला खबर के प्रायोजक बचपन रोग विशेषज्ञ और नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सुनीता मिश्रा और आनंद चिकित्सालय प्राणगढ़ी मेरवा में। बिहार राज्य के सभी सरकारी स्कूलों का अर्धवार्षिक परीक्षा 18 सितंबर से शुरू हो गया है। वहीं अर्धवार्षिक परीक्षा से पूर्व गुरुवार को सड़क के किनारे प्रश्न पत्र फेंके जाने की जानकारी मिली है। वहीं अखबारों में इस बात को छपने के बाद भी शिक्षकों को दूसरे दूसरे विद्यालयों में भेजकर और पेरने का काम चालू है। बताया जा रहा है कि सातवें कक्षा के ये प्रश्न पत्र गणित और अंग्रेजी के हैं। सड़क के किनारे प्रश्न पत्र मिलने के बाद ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर उसे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित भी कर दिया। सड़क के किनारे प्रश्न पत्रों के फेंके होने के कारण परीक्षा की सुचिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताते चलें कि प्राथमिक विद्यालय में पहली से आठवीं तक के अर्धवार्षिक परीक्षा 18 सितंबर से शुरू हो गए हैं, जिसमें एक विद्यालय के शिक्षक दूसरे विद्यालय में भेजे जा रहे हैं, लगाए गए हैं, जहां शिक्षकों को गन्ने के जूस की तरह पेर कर और गन्ना में से और भी जूस निकाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि अखबारों में इस प्रश्न पत्र के छपने के बाद भी वह कार्यक्रम जारी है। बताया जाता है कि इसके साथ ही सारी व्यवस्था कटघरे में आ गई है। विदित हो कि गुरुवार को ही सभी प्रखंडों के BRC प्रखंड संसाधन केंद्र में प्रश्न पत्र भेजे गए थे। इन्हें अब तक स्कूलों को भी भेज दिया गया तथा परीक्षा भी शुरू हो गया। 18 तारीख से होने वाले परीक्षा में वह प्रश्न पत्र आने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 18, 19, 20, 21, 22 लगातार यह परीक्षा शिक्षक लोग अपना विद्यालय छोड़कर टैग किए हुए विद्यालय में जाकर यानी अन्यत्र विद्यालय में परीक्षा लेंगे। बताया जा रहा है कि बिहार के मुसहरी प्रखंड के BRC के पास सड़क के किनारे यह प्रश्न पत्र फेंके हुए मिले हैं। सातवीं परीक्षा में अंग्रेजी और गणित विषय के सेट भी यह प्रश्न पत्र के रूप में शामिल हैं। प्रश्न पत्र आउट होने की खबर आग की तरह चारों तरफ फैल गई है। वहीं इंटरनेट मीडिया पर फैल जाने के बाद भी बिहार सरकार के द्वारा परीक्षा लिया जाना यह एक खेल खिलौने की तरह चर्चा में बना हुआ है। ग्रामीणों ने इसे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। वहीं तमाम अखबारों जैसे दैनिक जागरण एवं अन्य अखबारों द्वारा इस प्रश्न पत्रों के प्रसारित होने की पुष्टि भी कर दी गई है, किंतु शिकायत मिलने के बाद भी तरह तरह की बातें सामने आने लगी है। कहा जा रहा है कि अब स्कूल अपने उत्तर पुस्तिका के प्रश्न पत्र आउट होने की जानकारी नहीं दे पा रहा है। बताते चलें कि इस बात की भी चर्चा हो रही है कि आखिर यह प्रश्न पत्र कहां से आए हैं, जिसको लेकर शिक्षा व्यवस्था कटघरे में खड़ी हो गई है। देखना दिलचस्प होगा कि यह प्रश्न पत्र मीडिया पर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भी यह कैंसिल होता है या उसी तरह
एग्जाम लिया जा रहा है। चलिए ऐसे ही कुछ विशेष खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बड़ी खबर, हर खबर सबसे पहले मिले इसके लिए बेल आइकन को आप जरूर दबा दें। धन्यवाद। फिर बता दें कि अभी अभी की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि बिहार में अर्धवार्षिक परीक्षा के नाम पर पहली से आठवीं तक के विद्यालयों तथा उन विद्यालयों के शिक्षकों को लगातार पेरंसन क्रिया चल रहा है। पहली बार एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में शिक्षक भेजे गए हैं तथा परीक्षा का समय समाप्त हो जाने के बाद भी, बच्चों के नहीं रहने के बाद भी शिक्षकों को 4:30 बजे तक बैठाया जा रहा है। वहीं प्रश्न पत्र सड़कों पर मिले हुए हैं। एक बड़ी खबर सबसे पहले दे रहा हूं। बिहार राज्य के सभी सरकारी स्कूलों का अर्धवार्षिक परीक्षा 18 सितंबर से शुरू हो गया है। वहीं अर्धवार्षिक परीक्षा से पूर्व गुरुवार को सड़क के किनारे प्रश्न पत्र फेंके जाने की जानकारी मिली है। वहीं अखबारों में इस बात को छपने के बाद भी शिक्षकों को दूसरे दूसरे विद्यालयों में भेजकर और पेरने का काम चालू है। बताया जा रहा है कि 7वें कक्षा के ये प्रश्न पत्र गणित और अंग्रेजी के हैं। सड़क के किनारे प्रश्न पत्र मिलने के बाद ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर उसे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित भी कर दिया। सड़क के किनारे प्रश्न पत्रों के फेंके होने के कारण परीक्षा की सुचिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताते चलें कि प्राथमिक विद्यालय में पहली से आठवीं तक के अर्धवार्षिक परीक्षा 18 सितंबर से शुरू हो गए हैं, जिसमें एक विद्यालय के शिक्षक दूसरे विद्यालय में भेजे जा रहे हैं, लगाए गए हैं, जहां शिक्षकों को गन्ने के जूस की तरह पेर कर और गन्ना में से और भी जूस निकाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि अखबारों में इस प्रश्न पत्र के छपने के बाद भी वह कार्यक्रम जारी है। बताया जाता है कि इसके साथ ही सारी व्यवस्था कटघरे में आ गई है। विदित हो कि गुरुवार को ही सभी प्रखंडों के BRC प्रखंड संसाधन केंद्र में प्रश्न पत्र भेजे गए थे। इन्हें अब तक स्कूलों को भी भेज दिया गया तथा परीक्षा भी शुरू हो गया। 18 तारीख से होने वाले परीक्षा में वह प्रश्न पत्र आने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 18, 19, 20, 21, 22 लगातार यह परीक्षा शिक्षक लोग अपना विद्यालय छोड़कर टैग किए हुए विद्यालय में जाकर यानी अन्यत्र विद्यालय में परीक्षा लेंगे। बताया जा रहा है कि बिहार के मुसहरी प्रखंड के BRC के पास सड़क के किनारे यह प्रश्न पत्र फेंके हुए मिले हैं। 7वीं परीक्षा में अंग्रेजी और गणित विषय के सेट भी यह प्रश्न पत्र के रूप में शामिल हैं। प्रश्न पत्र आउट होने की खबर आग की तरह चारों तरफ फैल गई है। वहीं इंटरनेट मीडिया पर फैल जाने के बाद भी बिहार सरकार के द्वारा परीक्षा लिया जाना यह एक खेल खिलौने की तरह चर्चा में बना हुआ है। ग्रामीणों ने इसे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। वहीं तमाम अखबारों जैसे दैनिक जागरण एवं अन्य अखबारों द्वारा इस प्रश्न पत्रों के प्रसारित होने की पुष्टि भी कर दी गई है।
किंतु शिकायत मिलने के बाद भी तरह तरह की बातें सामने आने लगी है। कहा जा रहा है कि अब स्कूल अपने उत्तर पुस्तिका के प्रश्न पत्र आउट होने की जानकारी नहीं दे पा रहा है। बताते चलें कि इस बात की भी चर्चा हो रही है कि आखिर यह प्रश्न पत्र कहां से आए हैं, जिसको लेकर शिक्षा व्यवस्था कटघरे में खड़ी हो गई है। देखना दिलचस्प होगा कि यह प्रश्न पत्र मीडिया पर, सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भी यह कैंसिल होता है या उसी तरह एग्ज़ाम लिया जा रहा है। चलिए ऐसे ही कुछ विशेष खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बड़ी खबर, हर खबर सबसे पहले मिले इसके लिए बेल आइकन को आप जरूर दबा दें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए भोजपुरी के लिए पधारें डॉक्टर मंजीत रंजन, और हृदय के किसी भी बीमारी के लिए पधारें डॉक्टर रागिनी सिंह, सिवान अस्पताल रोड बाईपास मोड़ के नजदीक। आयुर्वेदिक कॉलेज की तरफ से सारा सिवान के जनता के ढेर सारा शुभकामना। विज्ञानानंद केंद्रीय विद्यालय चनौर रजिस्ट्रेशन नामांकन शुरू बा। शीघ्रता करें, कार्यालय से जल्दी संपर्क करें।